हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ योर अदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज वीडियो हम सीखते हैं हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट इन कंक्रीट। अगर आपके पास कंक्रीट मिक्स है M25 M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, उसका जो रेशियो होता है 1:2:4 होता है, ठीक है। और उसकी जो वॉल्यूम आपके पास 1 मीटर क्यूब, अगर आपके पास 1 मीटर क्यूब में कितना मटेरियल लगता है सीमेंट 1.58 सैंड एंड एग्रीगेट का निकाल लेंगे, तो उसके बेस पे आप अगर आपके पास कॉलम की वॉल्यूम है 3 मीटर क्यूब, तो उसमें आप सपोज कीजिए कॉलम की वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब, तो उसके बेस पे जब आपके 1 मीटर क्यूब का क्वांटिटी निकल आती है, तो आपके पास 10 मीटर क्यूब के आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसी बेस पे आप डिफरेंट वॉल्यूम पे कंक्रीट की वॉल्यूम पे क्वांटिटी सीमेंट सैंड एग्रीगेट की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए कि ड्राई वॉल्यूम होता क्या है। ड्राई वॉल्यूम वो होती है आपकी जो सीमेंट सैंड एग्रीगेट होता है वो आपकी ड्राई वॉल्यूम होता है, और जो वेट वॉल्यूम होती है जो आपके कॉलम जैसे कास्टिंग होती है कंक्रीटिंग की, वो कॉलम की स्लैब बीम स्लैब, तो डिफरेंट जो कंडीशन होता है वो आपकी क्या कहलाती है, वेट वॉल्यूम। क्लियर? तो अब देखते हैं ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम होता है 50%, ठीक है। ऐड करते हैं किस में, वेट वॉल्यूम में। तो जो 50% होता है आपका हमारा वेट वॉल्यूम में, तो क्या कहलाता है आपका टोटल टोटल आपकी ड्राई वॉल्यूम आ जाती है, ठीक है। तो वेट वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 50% आपको ड्राई वॉल्यूम का कन्वर्ट करना पड़ता है। तो 1 + 50/100, तो सॉरी 54/100, तो 1.54 मीटर क्यूब। ये क्या आता है आपके पास 1 मीटर क्यूब के लिए। क्लियर? तो ड्राई वॉल्यूम आपके क्या आ गई, 1.54 मीटर क्यूब। अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ वन पार्ट। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वन पार्ट का। वन पार्ट क्या होगा आपका, रेशियो का। अगर आपके पास रेशियो है 1:2:4, तो टोटल रेशियो कितना होगा, 1 और 2 + 3 और + 4, तो 4 2 6 7, तो टोटल रेशियो कितना होगा, 7। तो हमें 7ों में से एक की वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ वन पार्ट, तो वेट वॉल्यूम डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो। तो वेट वॉल्यूम की आपके पास 1.54 क्यूबिक मीटर। अगर आपके पास कंक्रीट है 1 मीटर क्यूब, क्या है वेट वॉल्यूम, हमें निकालना है ड्राई वॉल्यूम। तो वेट वॉल्यूम का 1.54% ये इंक्रीज होता है 1 मीटर क्यूब के लिए, और रेशियो क्या आपके पास 1:2:4, तो ये टोटल रेशियो कितने, 7, 4 2 6 1 7। तो 7 को 1.54 से इसको डिवाइड बाई करते हैं, तो एक पार्ट की वॉल्यूम निकल जाएगी आपकी, वन पार्ट की। वो क्या निकलेगी आपकी, मिक्स। वो आपकी क्या निकलेगी, मिक्स निकलेगी, सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट, वो क्या निकलेगा, मिक्स वन पार्ट का। क्लियर? तो वन पार्ट का आपका निकल जाएगा, तो टोटल अलग अलग इसको क्वांटिटी अलग अलग क्वांटिटी में निकाल लेंगे आप। तो वन पार्ट का आपने निकाला वॉल्यूम, तो इसको से भाग करते हैं तो 0.22 मीटर क्यूब। क्लियर? आपने 7 पार्ट थे, 7 पार्ट थे आपके टोटल, तो 7 पार्ट में से आपने एक साउथ को पार्ट को आपने भाग कर दिया अलग अलग, तो वन पार्ट का आपके पास वॉल्यूम आ गई 0.22। अगर इसको गुना करते हैं 2 से, तो आपके पास आ जाएगा 4 से। उसके बाद देखते हैं स्टेप 1, तो सीमेंट का वॉल्यूम क्या आएगी, 0.22 × 1। वन के आपके पास वन पार्ट, सीमेंट क्या है वन पार्ट, वॉल्यूम आपके पास क्या आई वन पार्ट की, तो 1 पार्ट × 0.22 = 0.22 मीटर क्यूब। ये आपके क्या है, सीमेंट की वॉल्यूम। अब देखते हैं सीमेंट बैग्स। तो सीमेंट बैग्स आपको पता है 0.22 क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को गुना करना है 28.8 से, तो टोटल वॉल्यूम टोटल बैग्स आ जाएंगे 6.336 बैग्स। बैग्स निकालने के फॉर्मूला होता है आपके पास, 1 मीटर क्यूब में होते हैं इतना 1440 किलोग्राम, और एक बैग का वजन होता है 50। तो बैग्स निकालना है, बैग निकालना है आपको, तो मीटर क्यूब में 28.8 बैग्स आ जाते हैं आपके। क्लियर? तो वही आपने यहाँ पे निकाला है बैग्स, तो टोटल नंबर ऑफ बैग रिक्वायरमेंट ये लगेगा आपकी कंसम्पशन। क्लियर? उसके बाद देखते हैं सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, सैंड। सैंड क्या है, 0.22 × 2। सैंड क्या है, 2 पार्ट है सैंड के आपके पास, 2 पार्ट है। आपने निकाला था वॉल्यूम 1 पार्ट की, अगर 2 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.44 मीटर क्यूब। क्लियर? तो ये आपकी क्या आ जाएगी, मीटर क्यूब में वॉल्यूम कि सैंड की। अब निकालना है क्यूबिक फीट में, तो क्यूबिक फीट सैंड आपका आता है वॉल्यूम इनटू क्यूबिक फीट की वॉल्यूम, क्योंकि आपके पास है जस्ट यूनिट, यूनिट आपके पास, तो यूनिट कन्वर्ट करना है यूनिट में, तो 35.3147 होते हैं CFT, क्यूबिक फीट, यूनिट से यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो यूनिट को गुना कर देंगे इस नंबर्स में, तो आपके पास आ जाएगा क्यूबिक फीट क्वांटिटी कहीं की सैंड की। अब देखते हैं एग्रीगेट। अगर एग्रीगेट की वॉल्यूम आपके पास वन पार्ट की, अब वॉल्यूम क्या है 0.22 वन पार्ट की, टोटल पार्ट कितने हैं आपके पास, 4। ये आपके तगाड़ी हो सकती है आपके, या फिर वो हो सकते हैं
तगाड़ी या फिर बॉक्स हो जाते हैं या फिर तसला हो जाता है, कुछ भी जो आप ही ले रहे हैं, सपोज कीजिए, तो कोई तगाड़ी ले रहे हैं, इसमें फिल कर रहा है सीमेंट सैंड एग्रीगेट, ये आपका सैंड हो गया, ये आपका कुछ हो गया, या फिर आप बॉक्स ले रहे हैं, ठीक है, ये आपका जो बॉक्स होते हैं डिपेंड करता है सीमेंट की वॉल्यूम पर, जिसकी जो वॉल्यूम होती है 1.226 CFT, ठीक है। अब देखते हैं एग्रीगेट, एग्रीगेट की वॉल्यूम है 0.22, अगर आपको उसको गुना करना है चार, चार के आपके पास पार्ट ऑफ चार पार्ट एग्रीगेट के चार पार्ट, या फिर आपने चार तगाड़ी ली आपने इस तरह के, या फिर चार बॉक्स आपने डाले कंक्रीट के, तो इन सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे।